जाने माने हिंदी के शायर जनाब दुष्यंत कुमार साहब ने लिखा था, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। शायद ये कल्पना को साथ रखकर किया गया एक इशारा था जो उस दौर की सियासत और हालात पर किया गया था। किसी दिन ये पूरी तरह सच होकर सामने आएगा ऐसा किसी ने ना सोचा था, लेकिन अब जो बाढ़ पंजाब में आई है उसके लिए केवल बारिश ही जिम्मेदार नहीं बल्कि वे लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने नदियों और नालों में मिट्टी डलवा कर उन्हें भरवा दिया और उस जमीन को भी रिहायशी कॉलोनियों के लिए बेच दिया गया। बहुत सी खूबसूरत एनक्लेव सामने आए, बहुत सी खूबसूरत कॉलोनियां सामने आई। आम और मध्यवर्गीय लोगों को ऐसा लगा कि उनके अपने घर का सपना साकार हो गया। लोग खुश भी हुए और उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत और कमाई इन बिल्डरों को सौंप भी थी। वे कितना ठगे गए थे इसका एहसास इस बारिश ने कराया। कई बरसों में अब आई इस भारी बारिशों ने अपना विकराल रूप दिखाया तो नदियां भी कूपित हो उठी। उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए घरों को ताश के पत्तों की तरह बिखरा दिया। खरड़ का पंचवटी एनक्लेव हो या दूसरे इलाके, इस कहर को साफ साफ देखा जा सकता है। नदी की नाराजगी और इस तबाही का यह अंदाजा बहुत से लोगों को भी नहीं था, इसलिए शायद वे बारिशों में भी नव निर्माण में लगे रहे। बहुत से मकान निर्माणाधीन अवस्था में अब भी देखे जा सकते हैं। खरड़ में ही शिवजोत के साथ सटा हुआ नूर विला भी है जहां बहुत से मकानों की नींव और पिछली दीवार पीछे से गुजरते हुए गंदे नाले पर ही बना दी गई। यह गंदा नाला अब तूफानी रफ्तार से बह रहा है। इस तबाही का शिकार हुए लोगों का दुख बांटने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी अपनी ताजपोशी से एक दिन पहले ही लोगों के टूटे हुए घर देखने पहुंचे। लोकप्रिय नेता अनमोल गगनमान पहले ही इन पीड़ित लोगों से मिलकर गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी कई इलाकों के लोगों से मिले, इन्हें संतावना भी दी गई। संबंधित अधिकारियों को फोन भी किए गए, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन लोगों की नाराजगी कौन दूर करेगा? कौन कसेगा शिकंजा उन पर जो नदी की जमीन इन लोगों को बेच गए? लोगों के असली मुजरिम तो वही लोग हैं। यहाँ नदी की जमीन पर रिहायशी कॉलोनियों का लगातार निर्माण चलता रहा जो अब भी जारी है। कौन करेगा उसकी इंक्वायरी? कब लाया जाएगा इन्हें कटहरे में? कौन करेगा असली एक्शन? औकड़ा समझ के इन्हां दी मजबूरी समझ के इस मसले का हल किया जाए, ना कि अज किस तरह पता लगे कई एडमिनिस्ट्रेशन दे आके ऑफिसर साहबानां नूं करे थोड़ी तो कॉलोनी इलीगल सी, इलीगल सी या लीगल सी, यह गल्लां बाद च होणगियां। जिम्मेवारी ऑफिसर साहबान की सी या प्रॉपर्टी डिवेलपर की सी या इन्हां दी है, वह बाद च हो। अज दे दिन साढ़े इन्हां परिवारां दे उत्ते, इन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़ी औकड़ आई है, जिहड़ी प्रकृति बनी खड़ी है, उहनूं निपटण वास्ते सानूं हर संभव सहायता देनी चाहीदी है। मैं मेरे सारे बीजेपी दे सारे साथियां नूं अज आ करके नहीं, बीजेपी करके मैं इस अथॉरिटी च नहीं, भी मैं सारी पार्टियां नूं अपील करां, अज राजनीति इक पासे छड के हरेक बंदे नूं एक एनजीओ दे तौर ते कम करके, क्योंकि साडे पंजाबियां दे खून च सेवा भाव लिखे, अज इन्हां परिवारां नूं अज कहिंदे असीं बाहर बैठे हां घरां च, कित्थे खाणा वी इन्हां नूं उपलब्ध है नहीं, आ सारा कम साडा बणदा। मैं सारे बीजेपी दे साडे घट्टो घट्ट मेरे जिहड़े साथी है उन्हां नूं अपील करदा कि अज सारिआं नाल सहयोग दे नाल इन्हां दी जो भी मदद हुंदी है एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल सहयोग करके स्लोगन दिता जाता है। अज ना कोई मंत्री आया, ना कोई एम एल ए आया, ना डीसी आया, ना कोई हर पंचायत कोई भी नहीं आया इतनी सरकार। देखो मैं फिर अपील करूंगा, देखो राजनीति होंदी रहूगी, अज है भी जिहड़ी सरकार दा रूप इत्थे आए, जिहड़े अफसर साहिबान आके इत्थे करके गए है, वो आम आदमी दी सरकार नहीं सा,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ? ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਰਸਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਪੰਦੇ ਭਰ ਆ ਗਏ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਦਬਨ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਊਂ, ਕਹਾਂ ਰਹੂੰ? ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਭਾਗ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਨਾ ਇਧਰ ਨਾ ਉਧਰ, ਇਕਦਮ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਰੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਜ਼ਰ ਪੰਚੋਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। और जैसा कि आप सबको विदित है कि लगभग 3 दिन से जो बारिश चल रही है, इस बारिश की वजह से इस कॉलोनी के संस्थान की हालत काफ़ी गंभीर और चिंतापूर्ण बनी हुई है, जिससे कि एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और हमारी जो कॉलोनी है, इसके बीच में भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान का कार्य है, उसमें भी तमाम पानी भर गया है, जिससे कि तमाम सभी कॉलोनी वासियों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नदी की हालात तो आपने देख ही लिए होंगे कि क्या स्थिति थी। और आज तक की हमारी कॉलोनी में कोई रोड भी नहीं बना पाए हैं, और बाहर आने जाने का जो मेन रास्ता है वहाँ तक भी लगभग 2.5-3 फुट तक पानी था। यह समस्या इतनी गंभीर है, और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देकर के इस कार्य को यथाशीघ्र ठीक करवाने की कृपया करें। वह किसी भी व्यक्ति को जन जान हाथी वह किसी नुकसान की कोई संभावना ना हो, यही मेरा सरकार से। किसी ने आपको मना किया कि यहाँ से चले जाओ, खतरा है? और लगभग कल जैसे कि प्रशासन के अधिकारी लोग भी आए थे, उन्होंने भी यही बोला था कि भी 2-3 दिन बारिश की संभावना है, इसलिए आप जो है लगभग 3-4 दिन के लिए अपना ये जगह छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। धन्यवाद। किसी ने दाल सब्जी राशन दूध का प्रबंध किया यहाँ? नहीं, कोई राशन दाल सब्जी का दूध का कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया, जो कुछ है सब अपना ही है। किसी ने कहा कि फलानी धर्मशाला या फलानी हॉल या फलाने गुरुद्वारे में? शायद मेरे ऐसे ज्ञान नहीं किया गया, मेरे ऐसे शायद सामने ज्ञान में कुछ नहीं है, ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ है, कि सबको यही बोला गया है कि आप अपनी अपनी जगह कहीं और शिफ्ट कर लो जब तक बारिश की। पॉलिटिकली कौन कौन आ चुका है यहाँ? हाँ जी, पॉलिटिकली यहाँ पर कौन कौन आ चुका है? जैसे यार जाकर साहब आए थे, इससे पहले कौन आ गया? पहले कोई नहीं, जो भी ये मकान गिरने के बाद ही पुलिस प्रशासन आया है, SDM महोदय आए हैं, और भी अब सब यहाँ सब मान सम्मान व्यक्तिगण, बड़े बुजुर्ग लोग, सब लोग आए हैं। सब ने इस बात का बड़ा अफसोस किया है कि यह जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ। और सबसे बड़ी गलती यही है कि जिसने भी यहाँ ये जगह दी है, बेची है, और मकान इतनी गहराई में, इस नदी की जड़ में है, तो सभी को मालूम था कि ऐसा होना है। और हम भी अभी लगभग जुलाई 2021 में शिफ्ट हुआ है, हमें भी इस चीज़ का नहीं मालूम था। अब आकर के हमारे सामने ये जो दृष्टिकोण कार्य नज़रों के सामने आया है, उसी को देखते हुए हम भी इस बात को सुनकर और देखकर के बहुत ही शर्मिंदा, हमारा दिल करता है कि अब जाए तो कहाँ जाए। जिस बेचारे गरीब ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की कमाई करके, नौकरी करके या जो भी कुछ करके, एक एक पैसा कमा करके अपना मकान गिराया, उस बेचारे का मकान ही नीचे गिर गया, तो बताइए वो कहाँ जाएगा? जबकि SDM महोदय ने ये कहा था कि आप लिख करके दे दीजिएगा कि आप इसकी कुछ ना कुछ जो भी है हम हेल्प करेंगे, कंपनसेशन जो भी है हम देंगे, बस यही इतना आश्वासन दे करके गए थे। आप हमें 2-3 दिन में इसकी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये भी कह गए कि ये मकान किसने, ये प्लॉट किसने बेचे, क्यों बेचे, मैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करूँगा। और कौन STO आए थे जिन्होंने आपको आश्वासन दिया ऐसा? SDM महोदय आए थे, और पुलिस प्रशासन भी था, और यहाँ के माननीय व्यक्तिगण लोग भी, MC वगैरह जो भी हैं, और सभी लोग आए थे। सभी के सभी अंदर तक बहुत पानी आ चुका है, हमारे घरों के अंदर 6-6 फुट पानी है,
और पानी बना के सारा सामान खराब हो चुका, बेड, मोटरसाइकिलें, हर एक चीज, कपड़े, एक भी कपड़ा नहीं रहा, सारी बच्चों की किताबें सब खराब हो चुकी हैं। प्रशासन से कोई अभी तक कोई मदद नहीं आई है। ये तो ये है कि लंगर चल रहा है, वहाँ से रोटी पानी आ रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक एक बार भी नहीं आया। एरिया कौन सा है? ये एरिया न्यू टैगोर गार्डन है जी। यहाँ पे सभी इतने परेशान है कि देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वोटों के टाइम पे हर कोई आ जाता है। तो एक दरख्वास्त है, या तो यहाँ से लोगों को बोल दो कि यहाँ से मर जाए, खप जाए, यहाँ पे वोटें वाटे लेने आए, और यहाँ पे लोगों को बोल दो कि तुम अपने ना दें, कुछ ना दें। अगर यहाँ पे सब कुछ सर्विस भी दे रहे हैं, फिर भी यहाँ लोगों को रख रहे हैं, और यहाँ पे फ्लड के टाइम पे कोई देखने नहीं आता, ये बहुत गलत बात है। प्रशासन से दरख्वास्त है कि एक बार आए, लोगों को निकाल लें यहाँ से, निकाल के उनको कहीं पर सुरक्षित स्थान दें, और बाकी उनको जो भी उनकी हेल्प हो सकती है, पैसे से, खाने से, जैसे भी हो सकती है, वो दरख्वास्त है वो चीज़ करें। आया जी, अभी वो दोबारा आ रहा है, और ये बोल रहे हैं कि इससे भी ज्यादा पानी आएगा, जितना पहले आ चुका है। पहले 5 फीट तक पानी आया था घरों के अंदर, और ये बोल रहे हैं कि अब उससे भी ज्यादा पानी आएगा। बोलोगे अपना अपना नाम रख के बताते हैं कि होया बस कुछ नहीं है। बस 10 में एक ही है। हां जी, मेरा नाम रूपप्रीत है। मैम कल परसों तो मीह पै रहे हैं, इतने साढ़े नदी आई है, नदी ने आ साढ़े नाल वाला घर ढाता, ये साढ़े घर ने जी। कल SDM सर आए थे, उन्होंने कहा सीगा जस्ट वो इन्ना ऑर्डर कर गए भी तुम घर खाली कर दो, साढ़े किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई सिक्योरिटी कुछ भी अवेलेबल नहीं सानू किया गया। असी आप ही घर खाली किए, ठीक है जी, घर खाली आप असी खुद किए, और सानू किसी ने कुछ नहीं पूछे हूँ तक आके भी हाँ थोड़ी किसी चीज़ की जरूरत है, तुम कितने रह रहे हैं, तुम्हें की खाधा पीता या कुछ नहीं। असं बच्चों बाहर घूमते फिरते, साढ़े समान कोई किसी के घर पे, साढ़ा कोई किसी के घर पे, हूँ तक तुम सवेर के साढ़े घर के बंदे सवेर के JCB आप लभ रहे हैं, सब हूँ तक देख लो JCB नहीं है। हाँ जी मैम, हम मेजर पंचवटी तो बोल रहे हैं, मैं किरण भारद्वाज बोल रही हूँ। देखो, हम पंचवटी में कल बारिश के कारण नदी आ गए, हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे नदी है, तो हमें प्लॉट बेचे गए और हमारे साथ धोखाबाजी की गई। अभी हम मकान बना रहे हैं, इतना लाखों रुपए लगा रहे हैं, फिर हम जाएंगे कहाँ? हम तो यहाँ पे सेफ ही नहीं है। देखो, पूरा यहाँ से बिल्डिंग गिर गई, और 4 घर जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है, वो बिल्कुल नदी के पास ही है, तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है, हमें कोई मतलब वो हमें खाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, हमें एक दूसरों के घर में रह रहे हैं। यहाँ पे कि हमें प्रशासन ये बोल रहे हैं कि घर खाली करो, ठीक है, घर खाली करेंगे, जाएंगे कहाँ? हमने अपने बच्चे लोगों के घर में छोड़े हुए, और कल से हम फोन पे बात कर रहे हैं। हमारे घर का हाल ये है, पूरे घर में अंदर सीलन आ गई है, प्लॉट भरे हुए हैं, ये आगे आप देखेंगे रोड पे हम चल नहीं सकते, प्लॉट भरे हुए हैं, कभी भी हमारे भी मकान कच्चा नहीं है, गिर सकते हैं। पीछे वाली पोल है, वो दीवार कभी भी गिर गई तो पानी है, 12-12 फुट, 13-13 फुट पानी खड़ा हुआ है। अब बताइए हम कहाँ जाएं? हमने अपनी पूरी कमाई लगाई हुई है इस पे, अब हम कहाँ जाएंगे? लोन देंगे कि नए घर बनाएंगे कि क्या करेंगे? आप ये देखें, प्रशासन आ रहा है, सिर्फ हमें यही बोलता है कि आप खाली कर दो, खाली करें, जाएं कहाँ? अपना सामान लेके जाएं कहाँ? खाएं कहाँ? क्या करें? आपको कौन आया खाली करने के लिए? कितने SDM सर, हमें सिर्फ एक SDM सर आए थे, उन्होंने कहा कि अपने मकान खाली कर दो। आप यहीं की रेजिडेंट है? हाँ जी, मेरा नाम। आपका नाम? मेरा नाम डिम्पल सोनी। कितनी देर से रह रही हैं? मुझे 2 साल हो। सर, 2 साल से मिली हो, कोई दिक्कत आपको आई हो तो किसने दूर की हो? सर, दिक्कत ये है, पहले तो हम रोड के लिए चीखते थे कि हमारा रोड कच्चा है, ये पक्का करो, हर बरसात में हम चल नहीं पाते हैं इधर, ठीक है। अब ये नई प्रॉब्लम नदी की हमें पता लगी है कि नदी है, इधर नदी है, चलो ठीक है, वो भी अब एक घर चला गया है, 4 घर ये जाने वाले हैं, अब इन घरों को खाली करवा दिया है, इनका सामान हमने अपने घरों में रखा है, लोगों को भी रखा है अपने घरों में, कितने दिन रखेंगे? हम भी सेफ नहीं है, अगर हम भी अगर खाली करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्रशासन सिर्फ ये बोलता है कि आप खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, कपड़े, मतलब वो जो लोग आए हैं उनके पास कपड़े भी नहीं, हम अपने कपड़े दे रहे हैं। राशन कोई मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। यहाँ आपका नाम? मेरा किरण भारद्वाज। आप कितनी देर से रह रहे हैं? हम 3 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। तो आपकी दिक्कतें भी दूर नहीं हुई? बहुत सर, यहाँ पे रोड ही नहीं निकल रहा है, वो हमें बोला गया कि यहाँ से न्यू चंडीगढ़ के लिए रोड जाएगा, हम तो इसीलिए हमें प्लॉट बेचे गए यहाँ पे, और हम लोगों ने प्लॉट ले लिया। अब हमारे जो लोन है जो पहले के खत्म नहीं हुए, तो नए घर हम कैसे बनाएंगे? हम तो वो जो पुराने घर है वही गिर रहे हैं हमारे, हम तो आगे मैं तो सिर्फ रोड से परेशान थी, मुझे ये तो नई दिक्कत आ गई नदी की, हमें नदी का कुछ पता ही नहीं था कि इधर नदी भी है,
अब बताओ हम घर से बेघर हो गए, अब इन घरों में रात को हमें नींद नहीं आ रही है, बच्चे हमने लोगों के घर सेफ रखे हैं, पता नहीं वो भी सेफ हैं कि नहीं, हम रोड पे बात करते हैं बस, यही है। ये पूरी पंचवटी जो है बिल्कुल सेफ नहीं है। पंचवटी में कितने लोग होंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे 52 घर है यहाँ पे जो रह रहे हैं। हाँ जी, ये जो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और कल से जिन्होंने ये कॉलोनी काटी हुई है वो जैसे, बिल्कुल जैसे भी बन रहा है। और बन कितने रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 2 फ्लोर बन रहे हैं ऊपर। हाँ, तो हमने कम से कम कितना, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कितने मकान होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन? यहाँ से 52, ठीक है। पानी बहुत चढ़ गया है यहाँ पे। कौन सा इलाका है ये? ये टांगरी नदी का इलाका है सारा। और हमारा तो सबसे ज्यादा ही बुरा हाल हो गया, घर में कुछ भी नहीं बचा, पैसे तक नहीं बचे, वो भी बह गए, बहुत कई जनों का नुकसान हो रखा है यहाँ पे। और हमारा तो सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए नहीं बचा, ना रहने के लिए बचा। दोबारा पानी आ गया घरों में? तो एक मुसीबत पूरी नहीं हुई है और दूसरी मुसीबत और खड़ी हो गई। अभी हम सामान निकाल रहे थे थोड़ा बहुत, वो भी फिर बह गया, वो बह गया, जो बचा था वो बह गया। अब बताओ ना रोटी खाने का बच्चों के लिए, ना कुछ है, पैसे भी नहीं बचे, अब कहाँ जाए, ना काम भी नहीं कर सकते, ना पैसे ला सकते कहीं से, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तो एक बार तो बंदा झेल लेता, दोबारा कैसे झेलेगा। ये जो टाइम हो रहा है कि पानी यहाँ, अब हमें समझ रहे थे विलिंगली हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए चलो ये तो, उसके बाद प्रशासन का है, प्रशासन का कोई भी रोल नहीं है। इट वॉज फ्लडेड अप टू 8 फीट फ्लडेड होने के बाद भी कोई रेस्क्यू टीम नहीं थे, एट द एंड जब आपका फ्लड ओवर हो जाता है तब आ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी है ना, इतनी सारी कैजुअलिटीज हो रही है, इतना सारा नुकसान हो रहा है, सारा का सारा इसका भरपाई कौन करा? फॉर द टाइमिंग वोटिंग के लिए तो सबको ही पर्पज आता है, लेकिन अब कौन आ रहा है यहाँ पे? इनकी कंडीशन देखिए, ये कहाँ जाएंगे, इनका रेस्क्यू करने वाले, इनका लिए शेल्टर, इनके लिए खाना पूना सब कहाँ है? अब हमें समझ नहीं आता हम कहाँ जाएं, क्या करें। कौन सा एरिया ये? मैम ये टांगरी एरिया है अंबाला कैंप का, और यूजुअली इट हैपेंस ऑन एवरी दिस व्हाट वी कॉल दैट रेनी सीजन, एवरी मींस देयर इज सो पुअर मैनेजमेंट कि अभी तक इनसे ड्रिजिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया। इवन यदि थोड़ा टांगरी का लेवल डिगिंग वगैरह अच्छा होती तो कम से कम ये डिजास्टर तो नहीं होता ना, कि लोग बेघर हो जाते। इट्स टू बैड मैम, कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।